हूँ, हिंदी पे सुबह के पहले हिंदी भेज रहा हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये बैटरी लैपटॉप्स रिपेयरिंग में, जो लैपटॉप सर्किट, लैपटॉप मदरबोर्ड का जो बैटरी इनपुट सर्किट है और जो एडेप्टर इनपुट सर्किट है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने, मैंने तुम सबको ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे 5 वोल्ट 3 वोल्ट रेगुलेटर, पहले तो मैंने तुम लोग को समझा दिया ऑलरेडी कि रेगुलेटर सर्किट क्या होता है, उसका पिन लेआउट कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब मैंने पहले डिटेल्स में समझा दिया, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे ये जो दो सर्किट है, क्या बैटरी इनपुट सर्किट और एडेप्टर इनपुट सर्किट, इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाला, और ये दोनों सर्किट का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। क्योंकि तुम्हारा लैपटॉप मदरबोर्ड जो है उसमें वोल्टेज आने का सिर्फ दो ही सोर्स है, एक तो बैटरी हो गया, दूसरा क्या हो गया, एडेप्टर। तो ये हो गया बैटरी कनेक्टर, और इसका बगल में देखो अलग अलग लैपटॉप बोर्ड में ये कनेक्टर अलग अलग जगह पे हो सकता है, ऐसे बात नहीं कि हर लैपटॉप बोर्ड में ये बैटरी यानी एडेप्टर कनेक्टर दोनों एक साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा बात नहीं है, अलग अलग बोर्ड में। लेकिन कॉन्सेप्ट जो मतलब मेन जो मतलब वर्किंग मतलब जो कॉन्सेप्ट है सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। एक बार समझना है इसको क्लियरली, बाद में समझ में आ जाता है ये सब कुछ चीजें। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं क्या बोल रहा था, जैसे देखो अभी कि क्या बोल रहा था, हाँ यहाँ पे इस अभी हम लोग इसी लैपटॉप बोर्ड का एग्जांपल के ले लेते हैं, और यहीं पे हम लोग प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये बैटरी कनेक्टर हो गया, और ये हो गया तुम्हारा एडेप्टर कनेक्टर, ठीक है। अभी तुम पूछोगे मुझे एडेप्टर कनेक्टर पता कैसे चलेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, जब लैपटॉप को खोलोगे आसानी से पता चलता है कि लैपटॉप का एडेप्टर कनेक्टर कौन सा होता है, जहाँ पे एडेप्टर लगा हुआ रहता है वही एडेप्टर कनेक्टर होता है। और बैटरी कनेक्टर देख के समझ में आता है, बड़ा वाला कनेक्टर होता है, इसका पिन मोस्टली येलो कलर का होता है, और मोटा मोटा पिन होता है, और इसका मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ पिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कनेक्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखना बैटरी कनेक्टर में तुम्हारा बहुत सारा पिन होता है, और मैंने यहाँ पे इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को ले लिया, और इसको मैंने डीसी बीप मोड में मैंने सेट करके रखा, ठीक है। तो बीप मोड में सेट करके रखो, और बस तुमको बीप चेक करना है, यहाँ पे बीप क्या बीप, देखो मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्टर का बहुत सारा पिन है, मैंने यहाँ पे दो ही पिन लिया है, ये बैटरी इनपुट सर्किट हो गया, इसमें मैंने दो ही पिन लिया है प्लस एंड माइनस, बाकी बीच वाला को छोड़ दो, ये एडवांस में हम लोग सिखाते हैं इसका काम क्या, इसका रोल क्या होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आएंगे, अगर निगेटिव पिन पर ग्राउंड में जा रहा है, निगेटिव हमेशा ग्राउंड में जाएगा, और जो पॉजिटिव पिन है वही तुम्हारा क्या होगा, मदरबोर्ड का सर्किटरी में जाएगा। तो पॉजिटिव पिन यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे निगेटिव पॉजिटिव कौन सा है वो पता करना है, तो एकदम आसान सा बात है ये, नेगेटिव पॉजिटिव पता करने के लिए तुमको सिंपली मल्टीमीटर का एक प्रोब को ग्राउंड में रखना है, और दूसरे प्रोब को यहाँ पे किसी भी पिन में, मोस्टली ये इसका जो लास्ट वाला पिन होता है, ठीक है, वो निगेटिव होता है, एक लास्ट वाला निगेटिव होगा और दूसरा लास्ट वाला क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर देखो ये बीप आ रहा है, सुन दे रहा है बीप ना, तो बीप सुन रहा है, तो ये हो गया निगेटिव पिन, तो उल्टा वाला जो ऑपोजिट वाला पिन होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव पिन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया बात। अभी हम लोग पॉजिटिव पिन तो मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव पिन मिल चुका है, अभी पॉजिटिव पिन से ये तुम्हारा ट्रैक मदरबोर्ड तक जा रहा है, मदरबोर्ड में कैसे जा रहा है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एक सर्किट होता है, जैसे मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ये सब के बारे में थियोरेटिकली, यहाँ पे एक होता है क्या सर्किट, इसको क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन सर्किट, इसको क्या बोलते हैं, ये तो मैंने एक नाम दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई नाम नहीं होता है, जस्ट समझाने के लिए एक नाम देकर रखा है मैंने, प्रोटेक्शन सर्किट, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्शन सर्किट होता है, यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट होने का पॉसिबिलिटी है, मोस्टली यहाँ पे फ्यूज, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ये सब हमारा होने का पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, मैंने कुछ कॉम्बिनेशन ले लिया, यहाँ पे कैपेसिटर ले लिया, फ्यूज ले लिया, इंडक्टर ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि हर मदरबोर्ड में तुमको ये सभी ये तीनों ही मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये सब कॉम्पोनेंट हो सकते हैं। ये सबका काम हो गया, जो वोल्टेज यहाँ से बैटरी से आ रहा है उसको क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए नाम है इसका प्रोटेक्शन सर्किट, अगर वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन हो, अप डाउन हो, जो भी हो, ये सबका काम यहाँ पे प्रोटेक्शन करेगा, ये प्रोटेक्शन सर्किट, ठीक है। तो प्रोटेक्शन सर्किट में तुमको हो सकता है कि कैपेसिटर मिले, कभी फ्यूज मिले, कभी इंडक्टर मिले, कभी इन लोगों का कोई कॉम्बिनेशन मिले, कभी रेजिस्टर भी मिल जाए, कभी डायोड भी मिल जाए, ठीक है। तो मैं इतना यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, अभी डायरेक्ट जो मेन कंपोनेंट है उसको मैं बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट बैटरी इनपुट सर्किट पे तुमको मिलने वाला है वो हो गया फैट, ठीक है। कभी कभी ये फैट तुम्हारा 8 पिन का होता है, कभी कभी 3 पिन का होता है, मोस्टली लैपटॉप मदरबोर्ड में हम लोग को 8 पिन वाला फैट ज्यादा मिलता है, और मैंने तुम लोग को 8 पिन का जो पिन का 8 पिन फैट का जो पिन लेआउट है मैंने पहले समझा दिया। तो यहाँ पे ये जो 8 पिन फैट है इसका ऊपर से 4 पिन हो गया ड्रेन पिन, नीचे से 3 पिन क्या हो गया सोर्स पिन, और ये 4 नंबर पिन है गेट पिन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव ट्रैक से जो भी सप्लाई आ रहा है, जो भी सप्लाई आ रहा है वो अल्टीमेटली इस फैट का कहाँ पे जाएगा, ड्रेन पे जाएगा, ठीक है। और अगर ड्रेन पे इनपुट हो रहा है तो सोर्स से आउटपुट होगा, ठीक है। सोर्स से जब आउटपुट होगा ये इस तरह हो सकता है कि ये यहाँ पे एक रजिस्टर होके या तो डायोड होके अल्टीमेटली कहाँ तक जा रहा है, तुम्हारा लैपटॉप मदरबोर्ड का जो 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट है वहां पे जा रहा है, ठीक है। अभी मैं इस पार्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, बस इतना सही पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी इस लैपटॉप बोर्ड में इसको सर्किट को थोड़ा ट्रेस करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये लैपटॉप का तुम्हारा ये बैटरी कनेक्टर हो गया, इसका ये पॉजिटिव पिन हो गया, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव पिन के साथ हमेशा चेक करूंगा, यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन सर्किट अगर फाइंड आउट करना है तो तुमको कुछ नहीं, पॉजिटिव पिन में टच करो। यहाँ पे अभी वोल्टेज चेक नहीं कर रहे हैं हम लोग, पोल चेकिंग कर रहे हैं हम लोग, जो सर्किट को ट्रेस कर रहे हैं कौन सा कॉम्पोनेंट कहाँ से किसके साथ जुड़ा हुआ है और सर्किट कहाँ तक जा रहा है, बस इतना सही चीज हम लोग ट्रेस
कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉजिटिव पिन है, पॉजिटिव पिन के साथ तुम बस इतना ही चेक करना है कि इसका बगल में कोई, इसका साथ कोई, इसका ये जो आसपास वाला एरिया है इसमें कोई तुम्हारा कैपेसिटर इंडक्टर फ्यूज डायोड इस तरह का है कि नहीं भाई, अभी वो तुम चेक कर लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे किया दिखा रहा हूँ, यहाँ पे तुमको ये फैट का बात समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके साथ कोई कैपेसिटर बीप आ जाए इसके साथ यहाँ पे। देखो वो जो मैं कंपाउंड का बात बोल रहा हूँ ना, ये प्रोटेक्शन के जितना भी कंपाउंड है ये सब कंपाउंड इसका आसपास के एरिया में ही चेक करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसको ये लगाते हुए तुम इधर इधर चेक करो, ऐसा नहीं है। इसका बगल में ही कहीं ना कहीं क्या होगा, ये प्रोटेक्शन सर्किट होगा। कभी कभी हो सकता है कि इधर कंपाउंड ना मिले तो इधर मिल जाएगा ऑपोजिट साइड में, लेकिन इसका आसपास के एरिया में, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से तुम इसके साथ टच करते हुए चेक करना कहीं पे बगल में कोई कैपेसिटर। देखो मैं एक करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो मुझे ये कैपेसिटर मिल रहा है, बीप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखो इधर से चेक करता हूँ, ये कुछ मैं रजिस्टर चेक कर रहा हूँ, बीप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो देखा जाए तो इस साइड में प्रोटेक्शन सर्किट का कोई भी कंपाउंड मुझे नहीं मिल रहा है। मैं इधर से चेक करता हूँ, देखो इधर से कोई आ रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इधर से नहीं आ रहा है, ठीक है। बस समझ में आ रहा है ना। तो मैं अगर इधर से चेक करूँ इसको, ये पॉजिटिव टैग को लगाते मैं यहाँ से चेक करूँ, तो देखो यहाँ पे ये कैपेसिटर मुझे बीप आ रहा है, देख सकते हो ना, ये कैपेसिटर बीप आ रहा है। देखो ये दो इंडक्टर बीप आ रहा है, कैन यू सी, यार ये इंडक्टर है, क्लियर ना, ये दो इंडक्टर है, ये कैपेसिटर बीप आ रहा है। तो इस तरह से ये सब क्या है, दीज आर नथिंग बट पार्ट्स ऑफ द प्रोटेक्शन सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन कंपोनेंट्स में अगर कुछ भी फॉल्टी इशू आ गया तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से बैटरी से जो इनपुट ट्रैक जो मदरबोर्ड से जा रहा है वो काम नहीं करेगा, अल्टीमेटली तुम्हारा सेट डेट का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, जब भी इस तरह का प्रोटेक्शन सर्किट में कुछ भी कंपोनेंट फेल हो जाए उसको रिमूव करना पड़ता है। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो उसको रिमूव करो, नया कैपेसिटर लगा दो, अगर इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो उसको यहाँ से हटाते हुए नया इंडक्टर लगा दो, ठीक है। तो ये सब बातें होती है, ये तो अभी मैं इंडिविजुअली ऐसा बातें डिस्कस नहीं करूंगा। मैं अभी जो नेक्स्ट मोस्ट कंपोनेंट उसमें जा रहा हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है वो हो गया फैट, हम लोग फैट के ऊपर जाएंगे। तो देखो यहाँ पे देखो जो प्रोटेक्शन सर्किट में जुड़ा हुआ कंपोनेंट दो तीन तो मिलेगा हम लोग को, बाकी जो नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है इंपोर्टेंट वो हो गया फैट। देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसके बगल में कोई फैट इसके साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे एक 8 पिन का फैट दिख रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये कितना पिन का फैट है, 8 पिन का फैट है, क्लियर ना, ये 8 पिन। देखो यहाँ पे ये डॉट है, ये क्या है, ये डॉट है, तो मतलब यहाँ से पिन काउंट शुरू होगा। तो पिन काउंट 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6 7 8। तो इधर से ये 5 6 7 8 क्या होगा, ड्रेन पिन होगा, ये 1 2 3 सोर्स, 4 नंबर होगा गेट पिन, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ से मैं अगर चेक करूँ एज पर डायग्राम के हिसाब से, ये पॉजिटिव सप्लाई कहाँ पे जा रहा है, ये फैट का ड्रेन में जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो फैट है इसका इधर से ये ड्रेन पिन हो गया। तो यहाँ पे अगर देखूंगा, देखो ये फैट का ड्रेन पे ये बीप आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो बीप आ रहा का मतलब क्या है, ये इसके साथ बीप आ रहा का मतलब क्या है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ, ये ट्रैक लिंक्ड है, ठीक है। तो मतलब जो सप्लाई है यहाँ से कहाँ तक आ रहा है, इसका ड्रेन तक आ रहा है। फिर इसका जो सप्लाई आउट होगा, आउट कहाँ से होगा, सोर्स से होगा, सोर्स से होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट, ये जो पॉइंट 1 2, ये जो पॉइंट है इधर से 1 2 3 है, तो ये क्या है, ये सोर्स है, ठीक है ना, बात क्लियर हो गया। तो देखें हम लोग सोर्स, ये जो सोर्स है, अभी हम लोग देखेंगे सोर्स के बाद ये कहाँ तक जा रहा है। ये इस तरह का हो सकता है कि डायोड हो, रजिस्टर हो, ठीक है, और डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलर सर्किट पे जा रहा है। तो एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग। जैसे अभी मैं तुमको ये वाला पार्ट जस्ट मैं अभी जानने के लिए बोल दूँ कि यहाँ पे इस मदरबोर्ड पे ये जो पार्ट है ये हो गया 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट का पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हर 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट सर्किट पे तुमको पता है, जैसे मैं लास्ट टाइम डायग्राम में समझाया था कि वहाँ पे क्या होता है, उसका जो मेन फैट होता है अपर फैट होता है, अपर फैट का क्या होता है, अपर फैट में 19 वोल्ट सप्लाई जाता है, ठीक है। तो मतलब जो बैटरी से या तो एडाप्टर से जो सप्लाई आ रहा है वो कहाँ होता है, वो रेगुलेटर सर्किट का अपर फैट में जा रहा होता है। तो यहाँ पे ये रेगुलेटर सर्किट का अपर फैट यहाँ में से दोनों में से कोई एक होगा, यहाँ में से दोनों में से कोई एक अपर फैट होगा। तो अपर फैट में सप्लाई जा रहा है, मतलब देखेंगे हम लोग ये अपर फैट का बगल में जो कैपेसिटर उसमें चेक करेंगे। तो देखो ये बीप आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, देखो मैंने ये प्रोब यहाँ पे लगा हुआ है और ये प्रोब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टच कर दिया, देख सकते हो बीप आ रहा है। तो जैसे समझ में आ गया ना बात यहाँ तक, तो इसका जो आउटपुट है, जैसे देखो ये जो आउटपुट है कहाँ तक जा रहा है, मैंने यहाँ पे डायग्राम में देखे रखा है, ये 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट पे जा रहा है। तो वही बात हो रहा है यहाँ पे, इसका जो आउटपुट है, ये जो सोर्स से आउटपुट निकला, अभी ये 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट सर्किट है तुमको पता ना चले, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा जब मैं ये सब सर्किट समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि इसी सर्किट बोर्ड में, ये मदरबोर्ड में ये हो गया 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट। तो हर 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट का जो अपर फेट होता है उसमें क्या होता है, जो बैटरी इन से आ रहा है या तो एडाप्टर इन से जो भी आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इसका जो मेन तुम्हारा ये अपर फेट का जो सोर्स है, जो मतलब ड्रेन है, उसमें जा रहा है ड्रेन। तो ये आ रहा है बीप,
तो चलो ये ट्रैक हो चुका है, यहाँ पे हम लोगों ने इस ट्रैक को, इस ये जो सर्किट है इसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया, ठीक है। अगले आने वाले क्लासेस में इसका हम लोग वोल्टेज को चेक करेंगे, और जिसमें हॉट चेकिंग जिसको बोलते हैं। अभी हम लोग चलते हैं एडाप्टर इनपुट सर्किट में। तो एडाप्टर यहाँ पे देखो, अभी एडाप्टर से शुरू करेंगे। एडाप्टर में वही बात होता है, दो टाइप का पिन होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एडाप्टर का मतलब कौन सा है, इसी का बगल में ये देखो, यही एडाप्टर का है, मतलब बोर्ड के हिसाब से अलग अलग जगह पे हो सकता है, फिलहाल इस बोर्ड में यही पे है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो पिनों का जो नेगेटिव पिन है, तो नेगेटिव के साथ ग्राउंड के साथ भी पाएगा ना। तो सिंपल देखो, यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे इधर से टच किया, मैं अगर तुमको यहाँ पे दिखा दूँ क्लियरली, ये देखो ये नेगेटिव मैंने टच किया एक प्रोब को, और एक प्रोब को मैंने यहाँ पे टच किया तो बीप आ रहा है, तो ये नेगेटिव पिन हो गया, ठीक है ना। तो उल्टा वाला पिन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी तुम अगर तुमको डाउट लग रहा है, तो एडाप्टर का जो केबल है वहाँ पे लगा के देखो किसमें वोल्टेज आ रहा है, वो पॉजिटिव पिन होगा, ठीक है। ये बहुत तरीका है इसको पता करने का, एक एक तरीका तुम अपना लेना, जो इजी तरीका है उसी को तुम चूज कर लेना। तो मैंने समझ लिया कि मैंने यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव पिन है, तो पॉजिटिव पिन मुझे मिल गया, नेगेटिव ग्राउंड में जा रहा है, पॉजिटिव मिल गया। तो वहाँ पे भी सेम बात होता है, पॉजिटिव पिन जो होता है यहाँ पे भी इसका बगल में, इसका जो सराउंडिंग का, इसका अगल बगल का जो सर्किट होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्शन सर्किट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही फ्यूज कैपेसिटर इंडक्टर कॉइल कैपेसिटर सब हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, चलो यहाँ पे इसका जो ये जो है पॉजिटिव पिन है इसका बगल में, तो देखो इसका बगल में मुझे यहाँ पे इस साइड में कोई कॉम्पोनेंट नहीं दिख रहा है, इसका बगल में इस साइड में दिख नहीं रहा है। देखो मैं चेक करता हूँ कोई बीप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कुछ भी बीप नहीं आ रहा है। इधर इधर मैं चेक करूँ तो कहीं भी कोई बीप नहीं आ रहा है, मतलब ये जो पॉजिटिव ट्रैक है इसका, इस पॉजिटिव ट्रैक इधर में, इस पॉजिटिव ट्रैक के साथ इधर से, मतलब इसी साइड में जुड़ा हुआ कोई कॉम्पोनेंट नहीं है। मैंने बोला अगर सेम साइड में ना मिले तो उल्टे साइड में चला जाओ, ठीक है, इधर से आ जाओ, लेकिन सामने चेक करना। तो मैं इसका इस एरिया में चेक करूंगा, डेफिनेटली ये कैंटर है, इसका बगल में यही वाला कॉम्पोनेंट होगा। तो चेक करता हूँ मैं एक एक करके, यहाँ पे कौन सा बीप आता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा बीप, ये देखो यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट बीप आएगा, ध्यान से देखो ये क्या है, ये फ्यूज है, ध्यान से देखो ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, PFF मतलब क्या है, फ्यूज, ठीक है। तो ये फ्यूज है, पावर फ्यूज, ओके, समझ में आ रहा है बात। देखो मैंने यहाँ पे दिया है फ्यूज, जरूरी नहीं है कि फ्यूज हो, कभी कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, लेकिन बात ये है कि तुमको फाइंड आउट करना पड़ता है ट्रेस करके। तो यहाँ पे फ्यूज हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। देखो चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग फ्यूज मिल चुका है, कैपेसिटर भी यहाँ पे सामने बगल में ही मिल रहा है, ये देखो दो इंडक्टर भी पा रहा है, ये देखा ना, तो ये दो इंडक्टर मतलब कॉयल है ये, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ मिल ही रहा है। तो दीज आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन सर्किट, क्लियर ना। आफ्टर दैट दिस विल गो टू हियर, दिस विल गो टू वन ऑफ द फैट, दिस द फैट, फर्स्ट फैट, दिस द सेकंड फैट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन सी द इन। तो देखो अभी देखो, हाँ, तो जैसे देखो, तो हम लोग यहाँ से फ्यूज से चेक करेंगे, तो फ्यूज से सप्लाई कहाँ जाएगा, डायग्राम के हिसाब से देखो, फ्यूज से सप्लाई कहाँ पे जाएगा, फैट में जाएगा, फैट का कहाँ पे जाएगा, ड्रेन में जाएगा, ये तो फैट हो गया, ये फैट का ड्रेन में देखो बीप आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया, तो ये वाला ट्रैक मिल चुका है। अभी ये जो फैट में यहाँ पे ड्रेन में इनपुट हो रहा है, इसका सोर्स होगा आउट, और सोर्स आउट होते हुए ये दूसरा और एक फैट में जाएगा। सो यू कैन सी हियर दिस इज द सोर्स, यहाँ पे ये इट विल गेट द आउटपुट फ्रॉम हियर एट द सोर्स पॉइंट, क्लियर ना। सो द आउटपुट फ्रॉम दिस सोर्स विल गो टू सोर्स ऑफ वन अनदर फैट, ओके, एंड दैट फैट इज वे। अभी देखो यहाँ से इसका आउट हुआ, अभी ये अगला फैट कहाँ पे, इसका अगला फैट देखो सामने अगल बगल में मुझे कोई अगला फैट दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैं अभी ये फिर से इधर में आ जाऊंगा, मैं कहाँ से देखो, मैंने यहाँ पे टास्क कर रखा है, सोर्स में टास्क कर रखा है, और मैं फिर ये बोर्ड के इधर में आऊंगा, और यहाँ पे आने से देखना, यहाँ पे आने से तुम देखो, यहाँ पे हमको और एक फैट मिल रहा है, ये देखो ये थ्री पिन का फैट है, जिस टाइम ये क्या है, थ्री पिन का फैट है, मतलब ये गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है ना। थ्री पिन का फैट में नंबर वन गेट, नंबर टू ड्रेन, नंबर थ्री होता है सोर्स, गेट ड्रेन सोर्स। तो यहाँ पे थ्री पिन का फैट का ये देखो सोर्स में भी पा रहा है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने टच करके रखा है, ये मैंने सोर्स में टच करके रखा, तो यहाँ पे इसका सोर्स में भी पा रहा है, क्लियर ना। जो कि यहाँ पे वही केस है, सोर्स से जा रहा है, और सोर्स से सोर्स तक जा रहा है मतलब ड्रेन से आउट हो रहा है इसका। तो सेकंड जो फैट है इसका ड्रेन कौन सा, ये बीच वाला पिन हमेशा ये क्या होता है, ड्रेन होता है, तो ड्रेन से होगा आउट। तो आउट कहाँ पे जाएगा, आउट होके मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आउट होकर कहाँ पे जा रहा है, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलर सर्किट पे। देखो यहाँ पे चेक करते हैं, तुमको पता है मैंने देखा थोड़ी देर पहले, दिस इज द आउटपुट, एंड ये जो है यहाँ पे चेक करेंगे डायरेक्ट, देखो यहाँ पे बीप आ रहा है, मतलब इसका आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, वही सेम जगह पे आ रहा है। तो चाहे बैटरी से आए, चाहे एडाप्टर से आए, अल्टीमेटली दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलर सर्किट। तो तुम्हारा लैपटॉप मदरबोर्ड में अगर एडाप्टर लगा हुआ है, तो एडाप्टर से सप्लाई आएगा, और अगर बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी से आएगा, और अगर दोनों ही लगा हुआ है, एडाप्टर बैटरी दोनों लगा हुआ है, तो कहां से आएगा सप्लाई, एडाप्टर से आएगा, और एट द सेम टाइम तुम्हारा बैटरी चार्ज भी होगा, ठीक है। तो बात इतना सही है आज के क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।